गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और इसका मैं केवल शार्ट रिवीजन टॉपिक बताता जाऊंगा कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें और इसकी क्या थ्योरी है आप देख लीजिएगा और इसका डिटेल लेक्चर मैं आगे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए चालू करते हैं, इसे शार्ट में देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं आप पढ़ लीजिए कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के बारे में है कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग कहते किसे हैं। दूसरा देखते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स, उसके बारे में देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स के रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के अपने रियल लाइफ में कौन कौन से एप्लीकेशन है इसके बारे में। अगला हम जानने की कोशिश करेंगे जनरल रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्या जनरल रेफ्रिजरेशन साइकिल की क्या होता है जनरल रेफ्रिजरेशन साइकिल में। तो एक्चुअल में क्या होता है, लो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना होता है, तो लो टेम्परेचर से हम हीट जो भी होती है उसे हाई टेम्परेचर में भेजते हैं थ्रू द एक्सटर्नल वर्क, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करके जैसे कंप्रेसर में करते हैं। आगे बढ़ें, आगे देखेंगे रेफ्रिजरेशन किसे बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेंगे कि रेफ्रिजरेशन का डिफिनेशन क्या है, तो हमको पता चल जाएगा कि रेफ्रिजरेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है अपना इसका कंटेंट के बारे में बताएं, इन अदर वर्ड्स क्या है, इसके दूसरे वर्ड में रेफ्रिजरेशन को क्या कहा जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। अगला है रेफ्रिजरेशन के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए टर्म होता है कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसके बारे में देखेंगे कि सीओपी क्या होता है, इसको एक एक करके पढ़ेंगे हम। केवल हम टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं क्योंकि यही सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अगला है रेफ्रिजरेशन एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स के बारे में देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर्स क्या है, हीट पंप क्या है, इसके बारे में कम्प्लीटली हम देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। और इसमें सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन, सीओपी ऑफ हीट पंप के बारे में भी जानेंगे, इन दोनों के बारे में भी हम जानेंगे, तो इसे आप देख लीजिए। अगला टॉपिक है अपना रेफ्रिजरेटर एंड रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे कि आखिर रेफ्रिजरेटर किसे बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे हम। अगला है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन का यूनिट क्या है इसके बारे में जानेंगे, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन तो एक्चुअल में टन में लिया जाता है, कितने टन का अपना रेफ्रिजरेटर है उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी उसकी रेफ्रिजरेंट पावर। अगला देखें, अब हमने क्या बताया कि जो रेफ्रिजरेशन का होता है यूनिट होते हैं वो टन होती है, तो वन टन क्या होता है, वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जब कभी आप दुकान में जाएंगे और रेफ्रिजरेटर लेने जाएंगे तो आप उसे टन में ही मांगे कि इतने टन का रेफ्रिजरेशन चाहिए या कि वो टन में ही बताएगा कि इतने टन का रेफ्रिजरेशन है, तो वो क्या होता है, वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। अगला है सिस्टम के यूज के बारे में देखेंगे कि कहाँ यूज किया जाता है रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग का यूज कहाँ किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। अलग अलग यूज है, जैसे एसी हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, ये सब क्या है, आरएसी के ही पार्ट हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। जो हमारा टिपिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, टिपिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ें होती है, तो ये भी देख लीजिए, इवेपोरेटर है अपना, कंडेंसर है, रिसीवर है, कंप्रेसर है, ये सारी चीज़ें होती है, तो इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बात, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसे साथ ही साथ जैसे मैं अभी रिवाइज भी करवा रहा हूँ, एक टॉपिक भी बता रहा हूँ, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इससे आराम से नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गई। अगला देखेंगे हम रेफ्रिजरेटर साइकिल के बारे में, किसके बारे में, रेफ्रिजरेटर साइकिल,
रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है इसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे, कौन कौन से टर्म होते हैं इसमें, और आगे बढ़ें तो अपना क्या आता है इसके बारे में और बताया गया है रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कंप्लीट कि ये क्या होता है, इसका अगले पॉइंट्स हैं ये, तो इनके भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अगला अपना वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल में कौन कौन सी चीज़ें होती थी आप देख लीजिए, अपना कंडेंसर हो गया, इवापोरेटर हो गया, और ये बाल्ब हो गया एक्सपेंशन बाल्ब, और ये कंप्रेसर हो गया, गैस इंजन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप इसे एक एक करके अच्छे से समझ सकते हैं, एक्चुअल में भी ये इसी जैसे दिखते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। अगला है अपना वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या है, वेपर कंप्रेशन साइकिल को अभी हम रियल में देख रहे थे उधर कैसा दिखता है, अब ये देख लीजिए ग्राफ में हम कैसे दर्शाएंगे इसे, कौन कौन सी चीज़ें हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले अपना है कंडेंसर, कंप्रेसर, इवापोरेटर और एक्सपेंशन वाल्व, ये चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं सर्किट में, तो इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। आप इसे बनाते जाइए, लिखते जाइए साथ ही साथ, तो मैं बोलता हूँ आगे पढ़ने में आपको आसानी होगी, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। अब वेपर कंप्रेशन साइकिल में एक एक करके देखते हैं एक एक चीज़ क्या है। अभी हम वेपर कंप्रेशन साइकिल देख चुके हैं, तो इसमें सबसे पहला है अपना, इसके बारे में देखेंगे कंप्रेसर के बारे में। तो कंप्रेसर क्या है इसके बारे में हम यहाँ देख सकते हैं, क्या लिखा है, द सुपर हीटेड कंप्रेसर क्या करता है, ये सुपर हीटेड वेपर को क्या है, द सुपर हीटेड वेपर्स इंटर्स द कंप्रेसर वेयर इट्स प्रेशर इज रेड। इसमें क्या करता है, सुपर हीटेड वेपर इंटर करता है और इसे क्या करता है, ये कंप्राइज करता है, कंप्रेस करके आगे बढ़ाता है, इसका प्रेशर बढ़ाता है। दूसरा है अपना इवापोरेटर, इवापोरेटर क्या करता है, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन इवापोरेटर एब्जॉर्ब्स हीट एंड चेंज टू ए गैस। क्या है, इसमें लो प्रेशर का लिक्विड जो होता है हीट को एब्जॉर्ब करके वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या कहलाता है, इवापोरेटर होता है। अगला है अपना कंडेंसर, अब कंडेंसर क्या होता है, ये क्या करता है, द हाई प्रेशर सुपर हीटेड गैस इज कूल्ड इन सिवरल स्टेज इन द कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है, जो सुपर हीटेड स्टीम होती है हाई टेम्परेचर पे उसे कूल करता है। अब हम अगला वेपर कंप्रेशन साइकिल देख सकते हैं, वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो हमारे सर्किट अभी पीछे बना थे वही है कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे नीचे देख लीजिए इवापोरेटर है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे, फिर इसे क्या किया हम कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस किए तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा, फिर इसे कांस्टेंट प्रेशर पे जो क्या किए कंडेंसर में डाले तो कंडेंसर में टेम्परेचर इसका सेम टेम्परेचर पे क्या हुआ, फेज चेंज हुआ, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आया, फिर इसे क्या किए हम एक्सपेंड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल टीएच डायग्राम में, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है अपना कंपोनेंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला है अपना रेफ्रिजरेंट, दूसरा अपना इवापोरेटर, ये चिलर, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर और थर्मो स्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी गया है क्या क्या है, रिसीवर है, कंडेंसर है, कंप्रेसर है और ये इवापोरेटर है और एक्सपेंशन बाल भी दिखाया गया है, इसमें दिखाई नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या है कंपोनेंट्स हैं। अब इवापोरेटर क्या है, चिल्ड क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, चिलर क्या है, तो इवापोरेटर क्या होता है एक्चुअली में, इवापोरेटर जो इवापोरेट करता है, जो रेफ्रिजरेंट को इवापोरेट करके क्या कहलाएगा, इवापोरेटर, इसके बारे में डिटेल देखेंगे आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम फ्रियल देख रहे हैं क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है और सेंसिबल हीट ऑफ सराउंडिंग होता है। तो लेटेंट हीट क्या होता है, जो सेंसिबल हीट क्या होता है, जो हीट हम देते हैं और टेम्परेचर राइज हो अगर फ्लूइड का, तो सेंसिबल हीट होता है, और लेटेंट हीट क्या होता है, जिसमें फेस चेंज के दौरान कोई भी टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता, केवल फेस चेंज होता है, तो क्या कहलाता है अपना लेटेंट हीट। आगे बढ़ें, अब एक्चुअल में इवापोरेटर टरबाइन कैसे दिखता है आप देख सकते हैं इसमें, यह है अपना इवापोरेटर क्या होता है, इवापोरेटर कैसे दिखता है आप अपने फ्रिज में, घरों के फ्रिज में देख सकते हैं, पाछे की साइड ऐसा ही कुछ लगा होता है,
ये पाइप्स लगे होते हैं जिनमें रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है और हीट को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में ले जाकर उसके डिस्पोज करता है। तो आप इसे देख सकते हैं, रियल लाइफ में भी आप इसे समझ सकते हैं। अगला कंपोनेंट आता है अपना कंप्रेसर। अब कंप्रेसर क्या है, ये सुपर हीटेड वेपर कंप्रेसर क्या है, जो सुपर हीटेड वेपर को क्या करता है, कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर तो मेनली नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हम क्या करते हैं प्रेशर इंक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज करने के बाद उसे कहाँ भेजते हैं, हम कंडेंसर में, कंडेंसर के थ्रू फिर एक्सपेंशन वाल्व, फिर इसके बाद इवोपरेटर, ये ऐसा सर्कुलेट होता रहता है। तो क्या करते हैं कंप्रेसर का मेन काम क्या, हम देख लिए, जो प्रेशर को इंक्रीज करता है, पर इनडायरेक्टली टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अगला आता है अपना कंडेंसर। क्या कंडेंसर, अब कंडेंसर का काम क्या होता है, जो हमारा कंप्रेसर जो है प्रेशर को राइज करता है। तो क्या बोला हमने, प्रेशर को राइज करने के साथ साथ टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ राइज हो ही जाता है। तो कंडेंसर क्या करता है, इस जो टेम्परेचर जो राइज हुआ है, तो अगर हम सुपर हीटेड स्टीम को उससे गैस को अगर उससे गुजारेंगे तो ये टेम्परेचर को डाउन कर देगा। कंडेंसर क्या करेगा, टेम्परेचर को डाउन कर देगा, लेकिन प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर को डाउन करेगा। आगे बढ़ें, कांस्टेंट प्रेशर पे एक तरह से कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, लेकिन क्या करता है ये केवल फेज चेंज कर दिया, जो सुपर हीटेड स्टीम होते वेपर होता है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, सुपर हीटेड सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। जब लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा तो वो हीट लेने के काबिल हो जाएगा और जाएगा तो इवोपरेटर में हीट ले लेगा। ठीक है, आगे देखें, अब क्या करता है रिसीवर क्या करता है, इसको भी देख लीजिए आप। रिसीवर समझ सकते हैं टेम्प्रोरी स्टोरेज स्पेस एंड सर्ज वॉल्यूम फॉर द सब कोल्ड रेफ्रिजरेंट सर्व्स एज ए वेपर सील ऑफ द प्रिवेंट वेपर इंटरिंग द एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व में जब इंटर करता है तो वो क्या करता है, ये रिसीव करता है, जो भी चीज़ें कंडेंसर से आती है उसको रिसीव करता है। इसको डिटेल में समझेंगे। अगला टॉपिक है अपना एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में। देखिए एक्सपेंशन डिवाइस क्या करता है, जो हमारा कंडेंसर से जो हमारा लिक्विड आया है तो उसे क्या करता है, एक्सपेंड करता है किसमें, जो हमारा इवोपरेटर में है, एक्सपेंड करके फिर किसे भेजता है, इवोपरेटर में भेजता है। तो एक्सपेंस करने से क्या होता है, प्रेशर डाउन हो जाता है इसका। तो इसे देख लीजिएगा, देखते हैं कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म क्या होता है, और प्रेशर रिड्यूस करता है एक्सपेंशन वाल्व करता है क्या, ये प्रेशर को रिड्यूस करता है, अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कंट्रोल से कैपेसिटी, और ये रेफ्रिजरेंट की कैपेसिटी को भी कंट्रोल करता है और प्रेशर को भी रिड्यूस करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक्चुअल में थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व कैसे दिखता है ये हम देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, क्या लिखा है, एडजस्टमेंट बाल्ब स्टेम पार्ट एनल्ट क्या डायफ्राम और स्प्रिंग चैम्बर आउटलेट, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इनको भी हम समझेंगे कि क्या है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। आगे देखें, अगला है अपना वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारा वेस्ट हीट होता है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ होती है इसमें भी देख लेते हैं। सबसे पहला कंडेंसर है, इवोपरेटर है, एक्सपेंशन बल्ब है, और ये कूलिंग टावर एब्जॉर्बर लगा होता है, और यहाँ हीट एक्सचेंजर लगा होता है जो हीट एक्सचेंज करता है, और इस सेकंड स्टेट का जनरेटर होती है, क्या होता है, जनरेटर होता है, और एक पंप लगा होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। अभी आपको समझ में भले ही नहीं आए, लेकिन पढ़ाने के बाद आपको आई होप समझ में ज़रूर आएगा। तो इसके कंपोनेंट्स आप मेन देख लीजिए, और बाकी को समझाना तो डिटेल में ही समझाना पड़ेगा। आगे देखें, अब वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल का जो डिटेल है, तो सर्किट है वो हम रियल में दिखाए थे, ये सर्किट देख लीजिए, सर्किट कैसा होता है जो हम सॉल्व करते हैं सर्किट पे। तो ये ऐसा होता है, कुछ वेपर जनरेटर होता है, ये क्या है, वेपर जनरेटर, एब्जॉर्बर, इवोपरेटर, और जो कंडेंसर वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। पंप यहाँ लगा है, तो उसी सर्किट को इसमें हम सर्किट में देखें जो रियल में है, तो उसे सर्किट में देखें, इसी से हम सब चीज़ सॉल्व करेंगे, टीएस डायग्राम भी बनाएंगे, पीएच डायग्राम बनाएंगे। तो इसे देख लीजिएगा,
अगला है अपना वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है इसमें मैंने कि क्या होता है। अमोनिया इज पार्शियली वेपराइज्ड एंड इट्स टेम्परेचर डिफ्रीज, इसमें क्या अमोनिया रेफ्रिजरेंट होता है, ये कैसे घूमता है, किस प्रकार का काम करता है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट इसमें लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा, इसे मैं डिटेल में पढ़ूँगा, ये उसी का अगला पार्ट है तो इसे भी पढ़ना पड़ेगा। आगे देखें अगला डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर किस प्रकार दिखता है और इसकी सर्किट कैसे बनती है, वैसे आइडियल सर्किट कैसे होती है, एक्चुअल में दिखता कैसे, तो ये देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए सबसे ऊपर क्या है, आपका इवापोरेटर है, यहाँ आपका एक्सपेंशन बल्ब लगा है, ये आपका कंडेंसर है और ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर पंप है, तो ये चार ही चीज़ें हैं। और इसमें भी दिखाया गया है, देख लीजिए सबसे ऊपर है कंडेंसर, इवापोरेटर और ये एक्सपेंशन वाल्व है, कंप्रेसर है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई इसी के अंदर है, चारों की चारों चीज़ें हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा रियल में कैसे दिखता है और सर्किट के अंदर कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इसमें आइस प्लांट को भी देख सकते हैं, आइस प्लांट किस प्रकार काम करता है, इसमें भी ऊपर की सर्किट सेम होती है, देख लीजिए यहाँ इवापोरेटर है, क्या लिखा है, रिसीवर है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, कंप्रेसर है, ये सारी चीज़ें भी इसमें हैं, एक्सपांसन बल्ब है, तो सारी की सारी चीज़ें इसमें हैं, बस नीचे वाली सर्किट अलग कर दिया गया, इसमें पानी भर के रख दिया गया है तो ये जम जाएगा, आइस बन जाएगा, जहाँ गुल्फी वगैरह बनते हैं या कि बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान वो जमाए जाते हैं, तो इसी प्रकार का प्लांट काम करता है कि ऊपर की सर्किट पूरा का पूरा क्या होता है, ऊपर जो भी सर्किट होती है वो पूरी सेम होती है, केवल नीचे की सर्किट चेंज होती है, तो इसे भी हम देखेंगे। अगला है अपना आइस प्लांट के बारे में देख लेंगे कंप्लीट क्या है ये, इसके बारे में एक एक चीज़ समझेंगे हम। आगे देखते हैं, ये भी आइस प्लांट के बारे में ही बताया गया है, अगला पेज है इसका, तो इसे भी समझ लेंगे क्या है, आगे बढ़ें। अब अगला मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है अपना क्या है, चैप्टर ही है ये, साइकोमेट्री एंड एयर प्रोसेस, क्या क्या होती हैं, एयर क्या होती है, एयर की क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, साइकोमेट्रिक क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। पहले देखेंगे एटमॉस्फेरिक एयर क्या होती है, तो हम आपको रियल बताएं तो एयर एक्चुअल में हम जो बोलते हैं एयर होती है, तो ड्राई एयर बस नहीं होती, उसमें क्या होता है वाटर वेपर भी मिक्स होते हैं, ड्राई एयर और प्लस वाटर वेपर दोनों मिक्स होते हैं, तो इसके बारे में देखें कितने परसेंट ड्राई एयर है, कितने परसेंट वेपर है, तो इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन हम करेंगे। अगला हम देखेंगे कि जो थर्मल पैरामीटर्स ऑफ द मॉइस्ट एयर की जो हमारी प्रॉपर्टी होती हैं, तो इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन सा चीज़ें हैं। तो सबसे पहला ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे, जो हमारा थर्मामीटर होता है, तो अगर ड्राई है वो उसमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली सूर्य का अगर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो उससे जो हम एयर की टेम्परेचर मेजर करते हैं वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, उसके जो थर्मामीटर के चारों ओर जो हमारा वेट जो क्लॉथ रख देते हैं और उसे पहले सुखाते हैं, इसके बाद उसका टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, इससे भी डिटेल में देख लेंगे। आगे देखें, अगला है अपना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ओस आप देखेंगे ओस, तो ये टेम्परेचर क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, इसमें इसकी लैंग्वेज में देखेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, मतलब कि इसमें एयर और वेपर के रेशियो देखते हैं, एयर और वेपर का कि कितने परसेंट जो हमारे एयर में कितने परसेंट वेपर है, तो ये हम क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखेंगे। अगला देखते हैं, अगला है अपना डिग्री ऑफ सेचुरेशन कि कितने परसेंट हमारा जैसे एयर है, तो एयर में हम जब कभी भी जैसे कूलर चल रहा है, एक बंद कमरा लें और उसमें कूलर चला दें, तो जो वाटर वेपर हमारे उड़ के जो हवा में मिक्स हो रहे हैं, तो कितने परसेंट मिक्स हो चुके हैं, कितने परसेंट अभी मिल सकते हैं उसमें, तो ये क्या कहलाता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, कितने परसेंट एयर हमारे सेचुरेट हो चुका है और कितने परसेंट बाकी है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहलाता है। अगला है ह्यूमिडिटी रेशियो,
ह्यूमिडिटी रेशियो ये क्या कहलाता है, तो इसके बारे में हम देख लेंगे कौन कौन सी ह्यूमिडिटी रेशियो होता है। ये कि मास ऑफ वेपर अपन मास ऑफ एयर, मतलब पर केजी ऑफ एयर में आप कहीं से भी 1 केजी ऑफ एयर ले लीजिए, उसमें आप ये चेक करिए कि कितने कितने ग्राम उसमें वाटर वेपर हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इन दोनों का रेशियो होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपन मास ऑफ एयर, तो ये कहलाता है ह्यूमिडिटी रेशियो। अगला है अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम और या कि मॉइस्ट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या कहलाता है इसके बारे में देखेंगे, वॉल्यूम पर केजी कहलाता है, मीटर क्यूब पर केजी और पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये क्या कहलाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम या आप मॉइस्ट वॉल्यूम होता है। अगला है अपना स्पेसिफिक एंथैल्पी, इसे भी देख सकते हैं एंथैल्पी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, पर केजी ऑफ ड्राई एयर की कितनी एंथैल्पी है इसके बारे में देखेंगे, और साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में देखेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट के कंप्लीट जानकारी लेंगे हम कि इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ इसका यूज होता है, तो इसके बारे में भी देख लेंगे। साइकोमेट्रिक चार्ट के एक एक पॉइंट्स के बारे में देखेंगे कि साइकोमेट्रिक चार्ट है क्या, इसका यूज कहाँ किया जाता है, किसके करिस्पॉन्डिंग किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। ये भी साइकोमेट्रिक चार्ट का अगला पार्ट है, तो इसे भी देख लेंगे हम कि क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर कहाँ यूज होता है इसका, तो इन सारी चीज़ों। अगला अपना मेन एयर हैंडलिंग प्रोसेस एंड देयर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से वेरिएशन होते हैं एयर एयर में चेंजेस के कारण, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं ये। सेंसिबल कूलिंग एलॉन्ग ए कूलिंग कोयल और सेंसिबल हीटिंग एलॉन्ग ए हीटिंग कोयल, ये सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी का दूसरा टॉपिक है, क्या है दूसरा टॉपिक, ये है कि एडियाबेटिकली बैटिक ह्यूमिडिफिकेशन एंड डी ह्यूमिडिफिकेशन यूजिंग ए ह्यूमिडिफायर और केमिकल डिह्यूमिडिफायर, तो इसके बारे में भी हमें अच्छे से सीखना होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो मैं आपको केवल टॉपिक दिखा रहा हूँ। अब अगली यूनिट की ओर अपनी ओर बढ़ते हैं जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, एयर कंडीशनिंग एसी, आप सुने होंगे एसी, कहीं भी देखते हैं बोल रहे हैं एसी लगी है, तो ये क्या होती है इसके बारे में हम पूर्ण जानकारी लेंगे कि कहाँ यूज होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें भी एसी के बारे में अगला पॉइंट, आगे के जो भी पॉइंट्स है उसके बारे में समझाया गया है, और आगे देखें। अब एसी का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है ये देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग, तो किस किस के बेसिस पे किया गया है, अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ ईयर, किस सीजन में एसी का कैसे यूज किया जाता है, कौन से एसी का यूज किया जाता है इसके बेसिस पे, और अकॉर्डिंग टू पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, इसके बेसिस पे हम इसे क्लासीफाई करेंगे। तीसरा किसके बेसिस पे कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट अरेंजमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग सब्सटेंस यूज, किस प्रकार का वर्किंग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे करेंगे, और किस प्रकार के कौन कौन सी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं इसके बेसिस पे हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। यहाँ से अपना ये लेक्चर समाप्त होता है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और इसका पीडीएफ मैं जब इसका डिटेल लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको अभी ही पढ़ना है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, अपने से भी पढ़ सकते हैं या कि किसी अदर यूट्यूब चैनल का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन नोट्स ही आपके काम में आने वाली है, तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा।